राम राम जी, मैं आपका छोटा भाई विक्रम हरियाणवी, अमित भाई आ गया है। राम राम जी सारण है, और आज हम मिलन जा रहे हैं प्रियंका चौहान से। जैसे कि आपने बेरा है, वो बहुत फेमस एक स्टार है और बहुत मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंची है, और आज हम अपना दिखाएंगे भाई वो कितनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची है। तो ठीक है जी, राम राम जी। ठीक है जी, मिलवाते हैं। सीधा जाना है भाई को पता नहीं है जी, और किसी भाई से पूछेंगे। किसी काम के बरवाड़ा काम के शानी मोहल्ले में रहती है जी, जाएंगे वहाँ पे भी देखेंगे कहाँ पर है घर। चलो जी चलते हैं जी। क्या नाम भाई आपका? समशेर। समशेर आपका? चलो ठीक है भाई, धन्यवाद बताने के लिए। लो जी पहुंच चुके हैं बरवाड़ा गांव में, और ये दो भाई मिले, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। तो भाई जी किन्हें सीखे पाऊंगा प्रियंका चौहान को घर? भाई ये जावापन बोरी रोड है। अच्छा, बोरी रोड से बन बोरी रोड आ रहे हैं साइड रोड है, वो आपको दिखाएंगे अभी, वहाँ पे उनका घर है। चलो मिलते हैं उनसे, देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते घर, फिर आपको दिखाते हैं उनका घर कहाँ है कहाँ नहीं। लो जी मिलते हैं। ठीक है भैया, कहाँ से है भाई? अपना काम है जी भट्टू कला से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। भाई तो पूछा भाई साहब प्रियंका का घर कौन सा है बताइए। यो भाई देख लियो भाई, शर्मान लग रहा है कैमरा अग्गे। वैसे तो बता दिया भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके भाई का। चलो जी खाएंगे आपको। लियो जी हमने बेरा पड़ गया जी प्रियंका चौहान का घर कड़ासी का है, भाई ने बताया एक ने। अमित भाई चलना फिर घर का? हाँ चलो जी। प्रियंका जी का ये घर है जी, यहाँ पे ये गेट वाला। प्रियंका जी घर पे नहीं है बता रहे हैं। ये देखो जी शनि मंदिर है यहाँ पे। ये देखो जी ये घर है जी प्रियंका जी का। जी मिलना नहीं चाह रही हैं, मुझे पता है जी घर पे ही है, सुबह थे यहाँ पर। अमित भाई प्रियंका तो नहीं थी। क्या करा भाई, बना मिली तो घमंड हो गया उसका। घमंड तो हो ही गया, चलना पड़ेगा भाई। कोई बात है जी, घमंड हो गया, इतनी दूर तय यहाँ जी, भूखे थी सारी हाल हो रहे हैं मिलन खातर। एक तो धूप देखो जी इतनी ज़्यादा, धूप भी बहुत है जी, हम सोचा मिल जावा। ये देखो जी इतने बड़े कलाकार हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे।
चलो जी देखते हैं फिर क्या करेंगे मित भाई, चलते हैं और क्या करें। ठीक है जी, ये पीछे वाला है जी, ये वाइट वाली कोठिया ना, वाइट वाली, ये घर है जी प्रियंका चौहान का भाई। भाई का ये है जी, ये देखो स्प्लेंडर प्लस बाइक है जी उसके भाई का, ये उसकी कोठी है जी। अमित है, अमित की ग्राम चला फिर विक्रम भी वीडियो बना लग रहे हैं, मिले को जी मिले तो ही नहीं, चलना फिर चला फिर कोई फायदा ही कौन आने का, तो कोई फायदा कौन हो, जितनी दूर से आए सुबह 7 बजे चले थे जी घर से सारे भाई, तो बताना चाहूँगी भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने आने के लिए, मिलने मिल तो नहीं रही है, फिर को क्या फायदा आने का इतनी दूर से कोई भाई आता है, बेशक नहीं हो भाई कोई नहीं मिलता, मिलता भी नहीं है भाई साहब कोई बताना, घमंड हो गया जी कलाकारी का। ठीक है जी घर पर चलते हैं, कोई भी मत आइयो जी यहाँ पे मिलने के लिए, मिलते तो नहीं नहीं परेशान होंगे जी आप। लियो जी प्रियंका के घर तक आ चुके हैं, प्रियंका तो मिली को नहीं जी, उसका भाई मिला था, और उसका भाई मिला था तो हमने पूछा उसका भाई को भाई प्रियंका घर यही है के, वो बोलिया भाई प्रियंका का भाई हूँ मैं। अच्छा जी भाई बोलिया जी प्रियंका तो घर पर कौन नहीं, मगो प्रियंका घर पर कौन नहीं, तो फिर वीडियो बनाने लगी जी उसके भाई की, भाई ये प्रियंका का भाई है, उसका भाई ने मना कर दिया जी वीडियो बनाने खातर, मैं भाई कौन बनावा, कम मैंने पसंद कौन ये वीडियो वाडियो बनाने का सिस्टम, मैं ठीक है भाई साहब कौन करा, फिर फ़ोन छीन लिया हम तय, फ़ोन छीन के ना अपनी वीडियो भी काट दी, फिर रिसेंट में तो भी काट दी, वही बात है कि घमंड हो गया जी उसका, भाई कोई फैन फॉलोइंग मिलने आते हैं मिलने, और हम तो जी गरीब आदमी हैं कोई गिफ्ट तो लेके कौन नहीं, वही बात है गिफ्ट होता तो मिलने भी आती, इतनी गुंजाइश नहीं थी हमारी जो गिफ्ट ले जाऊँ, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले कहते हैं भाई किसी तक कौन मिल दी, वह भी बेचारे सच्ची है भाई कौन मिल दी, हम नहीं बेरा पट गया भाई कौन मिला है, और भी भाई जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे उन तक भी कौन मिला है, ऐसे कहते हैं जी घर पर कौन ही, झूठ बोल बोल के भेज दे जी घर पर सारे ने, क्योंकि वो घर पर होती है भाव बढ़ गए, इसका मतलब ये है जी घमंड हो गया उसका, भाई घमंड ना करियो किसी चीज़ का, जो मतलब फैन फ्लोइंग है वो तो मिलन खतरे आवेगी, कोई खंदे तो नहीं सुना कोई, हाँ भाई कोई दिल तो चावे मतलब अच्छी लग गया वीडियो उसकी मिलन आवे भाई अच्छी लग गया जी, तो मिलन आंदे होगे नहीं कौन आवे मिलन, कोई को नहीं आंदा भाई। चलो ठीक है जी आज के लिए इतना ही है।